कलयुगी बेटे ने अपने पिता को शराब के नशे में होकर पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। वहीं आरोपी बेटा घटना को अंजाम देने के बाद अपने मृतक पिता के बगल में बैठकर रोता रहा और अफसोस करता रहा। पुलिस के आने पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। साथ ही घटना को अंजाम देने के पीछे की वजह पारिवारिक कलह बताई जा रही है। जहाँ शराब का आदि आरोपी युवक अपने पिता से आए दिन झगड़ा करता रहता था, वहीं डिप्टी एसपी ने इस पूरी घटना के मामले की जानकारी देते हुए बताया कि एक 75 साल के बुजुर्ग को उसके शराबी बेटे ने पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है। औरैया जिले से एक मामला सामने आया है, जहां एक कलयुगी बेटे ने अपने बाप बेटे के रिश्ते को फिर से एक बार कलंकित कर दिया। जहां शराब का आदि बन चुका बेटा आए दिन अपने बुजुर्ग पिता से झगड़ा करता और अपने पिता से रुपए मांगता, रुपए ना देने पर वह मारपीट भी करता था। लेकिन आरोपी बेटे ने शराब के नशे में आकर अपने पिता को किसी बात को लेकर झगड़ा करते हुए उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरोपी बेटा अपने पिता को मौत के घाट उतारने के बाद अफसोस करता हुआ अपने पिता के बगल में बैठकर रोने लगा। वहीं परिजनों ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोपहर करीब 2 बजे सूचना प्राप्त हुई कि पढ़ीन गांव के रहने वाले एक 75 वर्षीय वृद्ध की उसके ही अपने पुत्र, जो कि अक्सर शराब पीने का आदि है और नशाखोरी में रहता है, उसके द्वारा पीट पीट कर बुजुर्ग की हत्या कर दी गई है। तत्काल कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचकर उनकी डेड बॉडी को अपने कब्जे में ली और तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। आरोपित को हिरासत में लिया गया है। आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। प्रधान जी, क्या मामला है? आज आप गांव में, आपके गांव में आज एक पुत्र ने पिता की हत्या कर दी। लगभग 1 बजे खबर मिली कि वो जगदम्बा सिंह ने अपने पिता गिरजेश कुमार की ईंटा मारकर हत्या कर दी। अच्छा, क्या कोई विवाद था इनके दोनों के आपस में? कोई विवाद नहीं, आपसी घरेलू कलह। दारू के नशे में? दारू के नशे में उसने।